अच्छी बात है आए, मगर मैं इलेक्शन कमीशन से जरूर एक बात कहूंगा, वो ये ना करें जो उन्होंने बाकी मुल्क में किया है जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आए। इनके ऊपर बहुत सी उंगलियां उठाई गई हैं और ये उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं होशियार रहें, कहीं यहां भी वैसी गलतियां ना करें जिससे जो भी कुछ यहां पे अमन है उसमें फिर से एक मुश्किल ना पड़े। तो सितंबर में जो इलेक्शन होंगे उसमें एक्सपेक्टेशन है कि सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी और हर तरह से लोग तैयार है? मैं समझता हूं हर एक पार्टी तैयार है, हर एक काफी वक्त से तैयार है, यही डिले कर रहे थे। मैं जानता हूं इनके डिले करने का वक्त सर क्या है। ऐसा कहीं ना कहीं खलिश है, कल 5 अगस्त था, आप लोग घरों में थे, हम लोगों को बंद कर दिया था, हैरान है मैं। एक तरफ से ये कहते हैं कि साहब क्या जबरदस्त है, यह है वो है, फिर नॉर्मल से अगर एक तरफ से, तो हमें बंद कैसे किया, क्यों किया? और अपने लोगों को आजादी से वो अपने जलसे करते रहे, खुशियां मनाते गए, मगर वो जानते हैं अंदर की हालत क्या है। वो कुछ भी दिखाएं, वो दुनिया जानती है यहाँ की हालत क्या है। इलेक्शन से पहले जमीनी हालत को थोड़ा सा अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि स्टेटहुड यहाँ रिस्टोर हो, वो बहुत जरूरी है। और जो इन्हें कानून दिया है कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सारे अख्तियार रखेगा, वो इनको वापस करना पड़ेगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक रियासत है, रियासत थी और इंशाल्लाह रियासत रहेगी, और हमें उम्मीद है कि अपनी गलतियों को अजाला करेंगे, नहीं तो इनके लिए बहुत मुश्किल आएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत